नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में जिनका नाम स्कूली किताबों में नहीं है। उन्हें इतना नाम नहीं मिला है जितना और शहीदों को, यानी कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को मिला। लेकिन इनके शहादत के किस्से बड़े ही मज़ेदार हैं। उनका नाम है दिनेश चंद्र गुप्ता। तो आइए जानते हैं दिनेश चंद्र गुप्ता की कहानी के बारे में। दिनेश चंद्र बचपन से ही देशभक्ति के रंग में रंगे हुए थे। उनकी साहसिकता और उदारता आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी है। कॉलेज काल के दौरान ही दिनेश चंद्र सुभाष चंद्र बोस द्वारा संगठित बंगाल वॉलंटियर्स ग्रुप में शामिल हो गए थे और वहीं से उनकी क्रांति की शुरुआत हुई थी। उनका ये ग्रुप स्वातंत्र संग्राम के कार्य करने के साथ साथ ब्रिटिश साम्राज्य को नष्ट करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। दिनेश चंद्र नव युवाओं को ब्रिटिश साम्राज्य विरोधी लड़त लड़ने के लिए मार्गदर्शन देते थे। दिनेश चंद्र गुप्ता के संगठन के लिए ब्रिटिश अधिकारी कर्नल सिम्पसन निशाने पर थे, क्योंकि कर्नल सिम्पसन जेल में रह रहे कैदियों के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार करते थे और उन्हें यातनाएं देते थे। दिनेश चंद्र के संगठन का इरादा सिर्फ उन अधिकारियों को मार डालना ही नहीं था, बल्कि ब्रिटिश अधिकारियों की इमारत राइटर्स बिल्डिंग पर हमला करना भी था। इसी इरादे को अंजाम देने के लिए दिनेश चंद्र गुप्ता और उनके दो साथी राइटर्स बिल्डिंग में गए। वहां पर हमला कर कैदियों को यातना देने वाले कर्नल इंस्पेक्टर सिम्पसन को मार डाला। ब्रिटिश पुलिस दिनेश चंद्र गुप्ता और उनके साथियों को पकड़ने की कोशिश में लग गई। कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग पर हमला करने के बाद दिनेश चंद्र गुप्ता और उनके दो साथियों को ब्रिटिश पुलिस ने चैन से नहीं बैठने दिया। वो लगातार उनके पीछे ही लगी रहती थी। ऐसे में दिनेश चंद्र गुप्ता के एक साथी ने जहर वाला केमिकल पीकर अपनी शहादत दे दी और अंग्रेजों के हाथ न आने के लिए दिनेश चंद्र गुप्ता और उनके दूसरे साथी ने अपने आप को ही अपनी रिवॉल्वर से गोली मार दी। लेकिन वो दोनों मरे नहीं और घायल हो गए। हॉस्पिटल में सारवार के दौरान दिनेश गुप्ता के साथी शहीद हो गए, जबकि दिनेश बच गए और अंत में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। थोड़े दिन जेल में बिताने के बाद आखिर में दिनेश चंद्र गुप्ता को फांसी दे दी गई। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। दोस्तों, इस युवा क्रांतिकारी के पास से हमें सच्ची देशभक्ति सीखनी चाहिए, देश हित के कार्य करने चाहिए और देशवासियों में भी देश प्रेम जगाकर अपने देश को सच्चा, सुंदर और स्वच्छ देश बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे और वीडियो को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें क्रांतिकारी सेना। जय हिंद, जय भारत।